सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है जो हमारा यूनिट है वो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में क्या है कि जैसे लाइट है, तो आपको मालूम है लाइट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जो विजिबल पार्ट है वो हम लाइट के रूप में जानते हो, जिसकी ऑलमोस्ट जो वेवलेंथ रेंज है वो आपने पढ़ी है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके ऑलमोस्ट 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी विजुअल रेंज है। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर में भी इसमें जैसे रे के, अब जब रे नेचर लेते हैं लाइट का तो आप देखिए रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन वगैरह प्रूव करते हैं। सिमिलर वेव पे जब आप वेव नेचर लेंगे तो वहां पर भी ये चीजें प्रूव करेंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो प्रूफ करा जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स या लाइट वेव्स जो भी कह सकते हैं, तो इसको प्रूफ करने से पूर्व हमको क्या समझना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है वेव फ्रंट। ये कुछ इमेजिनरी सरफेसेस हैं जिसका यूज किया जाता है ज्योमेट्रिकली इन सबको सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? ठीक, तो वेव फ्रंट पहला टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कहीं पर लाइट रेज आ रही, इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, इन लाइट रेज में हम क्या करें कि अगर कुछ एक सरफेस ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये सर अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर लिया है। ओके, आप जरा नो ड्रॉ करिए जो हम कर रहे हैं, फिर बताते हैं। ठीक, तुम बताओ। वेव फ्रंट सर, हेडिंग वेव फ्रंट है। हाँ ओके, सो वेव फ्रंट है नहीं अपने बेटा, वेव फ्रंट डलवाई है। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि लाइट रेज जा रही है यहाँ पर। अब इन लाइट रे को कंबाइन अगर एक हम ऐसे वर्ड से इसको डिफाइन करें जिसमें कि सारी लाइट रे कंटेन हो, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो आप देखिए यहाँ पर एक टाइप के हमें कई तरह के होते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, इसके अलावा आपके जो है स्फेरिकल भी होते हैं, कई तरह के वेव फ्रंट होते हैं। तो ये एक आपको दिख रहा है वेव फ्रंट, आपको दिख रहा है। अब देखिए ये जितनी लाइट रे थी इन सारे को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है अलग अलग तरीके से। ये तो पैरेलल वेव फ्रंट जा रहा है, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब कहीं पर एक सोर्स से लाइट निकल रही हो, जैसे ये सोर्स हो, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो यहां पर जो वेव फ्रंट डाले जाते हैं वो जो यूज करे जाते हैं वो होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल। ये हो जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाते हैं। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करते हैं इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम इन अ, यानी हमने क्या करा, जो सामने डायग्राम में बना है वही चीज लिख भी रहे हैं। इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम सच दैट ऑल द
such that all the medium particles, all the medium particles lying in the surface are lying in the surface are in the same phase oscillation, in the same phase oscillation. यानी कि ये सब imaginary things हैं, हम अपने को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इन द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड, और या देन द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट. ठीक, एनी क्वेश्चन? क्या वेव फ्रंट का क्या मतलब है कि एक हम लोग क्या करते हैं, इफ वी ड्रॉ सरफेस इन अ मीडियम सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल्स लाइंग इन द सरफेस आर इन द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, यानी जितने पार्टिकल सबका जो ऑसिलेशन का फेज है वो सेम हो, तब ये जो सरफेस है, सरफेस को बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट. और ये जो सरफेस होते हैं, ये सरफेस ही प्रोपागेशन ऑफ वेव के बारे में बताते हैं. कई तरह के हैं, सोर्स यहाँ पर लीनियर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पैरेलल जैसे वेव्स दिख रही है, तो उसके लिए पैरेलल वेव फ्रंट है. आप देखिए, एक सिंगल सोर्स से कन्वर्ज तरीके से डाइवर्ज हो रही है, तो स्फेरिकल है, कई जगह सिलिंड्रिकल का यूज किया जाता है, ठीक है. अब इसके बाद जो है बात आती है हाइगंस वेव थ्योरी की. तो हाइगंस ने क्या बताया कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ वेव, और बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सोर्स से निकलने के बाद लाइट फैलती है, वैसे ही किसी सोर्स से लाइट जैसे फैलती वैसे वैसे वेव भी ट्रेवल करती है, ठीक है. तो ये सारी बताई बातें इन्होंने. और दूसरी चीज इन्होंने हाइगंस ने क्या बताया कि जो इनका प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स है वो ऑलमोस्ट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होता है. फिर इन्होंने अपना दिया हाइगंस प्रिंसिपल. तो ये इरेज कर दे. यस सर. ठीक है, चलो तो हम इरेज कर देते हैं इसको. बाकी लोगों ने नोट कर लिया होगा. यस सर. सर कल वैक्सीनेशन होना है क्या? है कल वैक्सीनेशन होना है क्या? ग्रुप में देखना पड़ेगा कि कंफर्म होके बताया जाए ग्रुप में, है तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा. कैजुअल में ही आना होगा, स्कूल ड्रेस का तो कोई वो है नहीं. ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन स्कूल ड्रेस ज्यादा बेहतर है, पहन क्या पाएंगे. सर लेकिन स्कूल ड्रेस में बहुत प्रॉब्लम होगी वैक्सीन लगवाने में. ये बात सही है, तो फिर ठीक है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आओ. सर एक तो फुल स्लीव तैयारी, तो फुल स्लीव से उठा ही नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम, और ऊपर से वो एकदम फिटिंग का होता है, तो उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होगी. जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप लोग आओ, ठीक. चलिए तो हम लोग बात करते हैं हाइगंस प्रिंसिपल की. तो हाइगंस ने क्या करा कि एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तैयार करा. आप लिखिए हाइगंस प्रपोज्ड अ Huygens proposed a geometrical construction to explain. Huygens proposed a geometrical construction to explain the propagation of a wavefront, the propagation of a wavefront in the medium and determined the position of the wavefront
ऑफ द वेव फ्रंट को शॉर्ट में डब्ल्यू एफ भी लिख सकते हैं, पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम. तो हाइगर्स ने क्या प्रपोज करा, प्रपोज करा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. सर वेव फ्रंट के बाद, वेव फ्रंट के बाद क्या बोला फिर से बोल दीजिए. पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम. जी थैंक यू सर. आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. तो हाइगन ने क्या करा कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके से कंस्ट्रक्शन को प्रपोज किया. कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन कर लेना. कंस्ट्रक्शन टू एक्सप्लेन द प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट, किसी मीडियम में कैसे वेव फ्रंट प्रोपागेट करता है और कैसे कि किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेव फ्रंट की पोजिशन को निकाल सकते हैं. ये हाइगन्स ने बात बताई. अब हाइगन्स ने क्या है इसके अपने कुछ पॉइंट दे दिए, ठीक है. और वो पॉइंट क्या थे, वो पॉइंट हम लोगों को लिखने हैं, ठीक है. तो आप लिखेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल मे बी स्टेटेड एज फॉलोज. आप कैसे दे सकते हैं उसको देखिए. यानी क्या है इसमें, उन्होंने बताया पहली बात बताई कि एवरी पार्टिकल सिचुएटेड, एवरी पार्टिकल, ठीक है. और पार्टिकल किसका होगा, अंडरस्टूड है कि मीडियम का ही होगा. एवरी पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज a new source of, yeah, act as a new wave source from which, source from which a fresh waves originate. These waves are called secondary wavelets. इन waves को बोलते हैं secondary wavelets. ठीक. अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन, ट्रेवल all directions with the speed of light. So secondary wavelets हैं, वो भी speed of light से ही क्या करेंगी, travel करेंगी. दिख रहा है सभी को पूरा? तीसरा, द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर कोई एक एनवेलप हम ड्रॉ कर दे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
एट एनी इंस्टेंट एट एन इंस्टेंट यानी किसी भी क्षण ठीक है गिव्स द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट गिव्स द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट एट दैट इंस्टेंट नोट कर लो तो ये बात क्लियर हो गई तो तीनों लॉ को अगर हम समराइज करें तो क्या कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स फ्रॉम विच अ फ्रेश वेव ओरिजिनेट दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट एंड थर्ड है द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at any instant gives the new position of wave front at that instant note ho gaya sir 1 minute note kar lo usko to aaj ye Huygens principle ki baat kari next class mein iska ek diagram samjhenge ki kis tarike se propagation hota hai kal wali class mein और इसके बाद फिर उसका रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग इस जो पहला जो हमारा चैप्टर है वेव फ्रंट का हाइगेंस प्रिंसिपल का उसको कंप्लीट करें।